एपिसोड नंबर 3 रोड नंबर 9 पे मौजूद हूँ। ये रोड नंबर 9 के विलाज हैं, विला नंबर 10 से लेकर विला नंबर 19 तक। और राइट साइड पे सामने जो विलाज हैं वो रोड नंबर 13 के विलाज हैं। विला नंबर 26 मेरे राइट साइड पे, विला 26 से 20 नंबर तक जो विलाज हैं मेरे लेफ्ट साइड पे हैं। और इसी तरह ये राइट साइड पे जो खाली स्पेस नज़र आ रही है आपको, ये पार्क दिया गया है, प्ले ग्राउंड एरिया है। जो जैसा कि हमारा प्रिसेंट 2 में बना हुआ प्ले ग्राउंड एरिया, इसी तरह यहाँ पे भी प्ले ग्राउंड एरिया बनेगा। अभी हम इंटरेस्ट करेंगे स्ट्रीट नंबर 32 की तरफ। ये स्ट्रीट नंबर 32 के विलाज हैं, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 5 तक। ये टोटल 5 विलाज हैं जो कि प्ले ग्राउंड को फेसिंग कर रहे हैं। और ये ईस्ट ओपन विलाज हैं, वेस्ट ओपन विलाज नहीं है। अब ये विलाज हैं जो कि फाइनल स्टेज पे हैं। ये 5 विलाज जिनमें बिल्कुल माइनर सा काम रह गया है। मैक्सिमम अगर टाइम लगेगा तो शायद, मेरा ख्याल है कि 1 माह का टाइम है जिसमें ये 1 माह बाद लॉक हो जाएंगे। स्ट्रीट 32 से हम एग्जिट हुए रोड नंबर 13 की तरफ। और इसी तरह फिर हम स्ट्रीट नंबर 33 की तरफ इंटरेस्ट करें। अब स्ट्रीट नंबर 33 में विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 6 तक मेरे राइट साइड पे विलाज हैं। ये विला ईस्ट ओपन विलाज हैं। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे विला नंबर 7 से लेकर विला नंबर 12 तक विलाज हैं, ये वेस्ट ओपन विलाज हैं। अब ये वो विलाज हैं जिनमें फाइनल स्टेज चल रही है। लास्ट टाइम काफ़ी काम यहाँ पे मौजूद था, और बहुत से ऐसे विलाज हैं इनमें भी तकरीबन कोई 7-8 विलाज हैं जो लॉक हो चुके हैं। बाकी कोई 3-4 ऐसे विलाज हैं जिन पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है स्ट्रीट नंबर 33 में। स्ट्रीट 33 से एग्जिट होंगे रोड नंबर 13 की तरफ, और इसके बाद हम स्ट्रीट नंबर 34 की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। स्ट्रीट नंबर 34 में एंटर होंगे, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 8 तक मेरे राइट साइड पे विलाज हैं। ये वो विलाज हैं जो ईस्ट ओपन विलाज हैं। और इसी तरह विला नंबर 9 से लेकर विला नंबर 16 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं, ये वेस्ट ओपन विलाज हैं। ये बिल्कुल तैयार विलाज हैं, रेडी फॉर पोजेशन है। कीज़ लोगों ने अप्लाई कर भी दी होंगी। अगर जो विला होल्डर हैं यहाँ पे की अप्लाई नहीं की तो उन्हें नोटिस जा चुका होगा, वो की अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 34 से हम एग्जिट होंगे, सामने हमारे जो है वो रोड नंबर 13 के विलाज आ जाते हैं। विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 11 तक ये विलाज हैं। अब रोड नंबर 13 के विलाज भी कम्प्लीट हैं, यहाँ पर भी आप अपनी रेजिडेंस कर सकते हैं, और बैरियर ने यहाँ पर पोजेशन दे दी है। रोड नंबर 13 ये 80 फीट वाइड रोड है। इसी तरह फिर हम यहाँ से स्ट्रीट नंबर 35 की तरफ आ गए 34 से। अब ये स्ट्रीट नंबर 35 जो है ये भी रेडी फॉर पोजेशन है। स्ट्रीट नंबर 35 में भी विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 9 तक जो विलाज हैं ये वेस्ट ओपन विलाज हैं। और विला नंबर 10 से लेकर विला नंबर 19 तक जो विलाज हैं वो ईस्ट ओपन विलाज हैं। अब ये जो विलाज हैं स्ट्रीट 33, 34, 35 रेडी फॉर पोजेशन है। यहाँ पे जो विला की प्राइस चल रही है सब 2 करोड़ 30 लाख रुपए की प्राइस चल रही है, विदाउट की विला की। विद की विला यहाँ पे हमें तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में मिनिमम से मिनिमम मिलेगा। अब स्ट्रीट नंबर 35 से एग्जिट हुए रोड नंबर 18 की तरफ आए, और इसके बाद हम फिर दोबारा इंटरेस्ट करेंगे रोड नंबर 14 की तरफ। ये मेरे लेफ्ट साइड पे रोड नंबर 14 के विलाज हैं। 14 में फैमिली भी आ चुकी है एक, और विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 11 तक ये विलाज हैं। ये 11 विलाज हैं जो कि मस्जिद को फेसिंग कर रहे हैं। राइट साइड पे जामा मस्जिद है, और ये वेस्ट ओपन विलाज भी हैं। सामने इनके भी 80 फिट वाइड रोड है, और 80 फिट वाइड रोड के बाद यहाँ पे जो विला की स्ट्रीट रोड नंबर 14 पे प्राइस चल रही है वो तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख से विला की प्राइस स्टार्ट हो रही है विदाउट की। विद की विला हमें तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख की ब्रैकेट में मिलेगा। राइट साइड पे जामा मस्जिद है, और इसी तरह हम इंटरेस्ट करेंगे यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 36 की तरफ मेरे राइट साइड पे। ये लेफ्ट साइड पे विलाज हैं, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 8 तक। ये स्ट्रीट नंबर 36 के विलाज जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। लास्ट टाइम भी ये जो रेडी थे
ये पोजेशन आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और ये भी मस्जिद को फेसिंग करते विलाज हैं। 8 विलाज जो हैं स्ट्रीट नंबर 36 के हैं, जो जामा मस्जिद को फेस कर रहे हैं, ईस्ट ओपन है, और इसी तरह 11 विलाज हैं जो वेस्ट ओपन है और जामा मस्जिद को फेस कर रहे हैं रोड नंबर 14 के। स्ट्रीट 36 से एग्जिट हुए, अब ये मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 37 आ गई। 37 में भी काफ़ी काम रहता था लास्ट टाइम जब हम आए थे, और इस वक्त जो है ये फाइनल स्टेज पे है। विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 9 तक मेरे राइट साइड पे विलाज हैं जो कि ईस्ट ओपन विलाज हैं, और विला नंबर 10 से लेकर 17 तक जो विलाज हैं वो मेरे लेफ्ट साइड पे हैं, और ये वेस्ट ओपन विलाज हैं। अब इनमें जो विलाज हैं अक्सर लॉक हो चुके हैं, और जो राइट साइड वाले विलाज हैं ईस्ट ओपन, ये विलाज जो हैं जिन पे काम हो रहा है, दरवाज़ों का काम हो रहा है और कबर्ड्स वगैरह लग रहे हैं, बाकी फाइनल लेफ्ट साइड जो है वेस्ट ओपन विलाज ये लॉक हो चुके हैं, इनमें बिल्कुल काम मौजूद नहीं है। अब सामने स्ट्रीट नंबर 46 के विलाज हैं, विला नंबर तकरीबन 54-55 नंबर विला चल रहा है। स्ट्रीट 46 में तकरीबन पिछले 5 माह से काम नहीं हो रहा, ये जो ये वाली पट्टी है तकरीबन 38 से लेकर 58 तक के जो विलाज हैं इनमें बिल्कुल भी काम देखने को नहीं नज़र आ रहा पिछले 6 माह से। अब ये स्ट्रीट नंबर 38 में इंटरेस्ट की मैंने, स्ट्रीट नंबर 38 में विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 11 तक जो विलाज हैं ये ईस्ट ओपन विलाज हैं, और इसी तरह विला नंबर 12 से लेकर विला नंबर 21 तक विलाज जो हैं वो वेस्ट ओपन विलाज हैं। अब जो वेस्ट वाले विलाज हैं ये लॉक हो चुके हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी काम बाकी नहीं है। जो ईस्ट वाले विलाज हैं विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 11 तक, इनमें काम जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 माह का काम रिमेनिंग है। यहाँ पे फाइनल स्टेज पे है ग्लास, एल्युमिनियम और इसी तरह दरवाजे हैं वो भी तकरीबन फाइनल स्टेज पे हैं। अब नेक्स्ट जब वीडियो बनेगी तो ये विलाज स्ट्रीट नंबर 38 के जो विला नंबर 1 से 11 तक हैं ये बिल्कुल तैयार होंगे। 38 से हम एग्जिट हुए, 39 में इंटरेस्ट करेंगे विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 13 तक जो विलाज हैं मेरे राइट साइड पे विलाज हैं, ये वेस्ट ओपन विलाज सॉरी ईस्ट ओपन विलाज हैं, और विला नंबर 14 से लेकर विला नंबर 25 तक जो विलाज हैं ये वेस्ट ओपन विलाज हैं। अब जो वेस्ट के विलाज हैं जैसे कि पिछली 2 स्ट्रीट्स में देखे हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है वेस्ट वाले विलाज में, अब इसी तरह इसमें देखते हैं स्ट्रीट नंबर 39 में 14 से 25 तक जो विलाज वेस्ट वाले हैं इनमें काम मैक्सिमम 3 से 4 माह का काम है। अब एक दो विलाज हैं जो लॉक भी हो चुके हैं, और बाकी जो फाइनल पेंट होता है बाहर साइड पे वो कर दिए गए, दरवाजे भी अक्सर विला में लग चुके हैं, एलुमिनियम का काम भी हुआ हुआ है, टाइल्स का काम कुछ विला में रिमेनिंग है। इसी तरह राइट साइड में जो ईस्ट ओपन विलाज हैं इनमें काफ़ी काम मौजूद है, तकरीबन 6 माह या मैक्सिमम 8 माह का टाइम लगेगा। सामने फिर वही स्ट्रीट नंबर 46 जो कि पिछले 6 माह से इन विलाज की हालत जो है वो सेम ही है कि इसमें बैरी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। राइट साइड पे टर्न लेंगे, स्ट्रीट नंबर 40 आ गया, स्ट्रीट नंबर 40 में विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 14 तक विलाज जो हैं वो ईस्ट ओपन हैं, और विला नंबर 15 से लेकर विला नंबर 27 तक जो विलाज हैं वो वेस्ट ओपन विलाज हैं। इसमें भी कुछ काम नज़र आया कि कुछ काम बैरिया ने किया है, कुछ काम है कि लेबर थोड़ी बहुत यहाँ पे काम कर रही है, बाकी काम ना होने के बराबर है स्ट्रीट नंबर 40 में। 39 में तो काफ़ी हद तक काम किया बैरिया ने, स्ट्रीट 40 में ये है कि अब ये मेरे ख्याल है टाइल्स ही हैं और टाइल आ चुकी हैं शायद इसी स्ट्रीट की हों, स्ट्रीट नंबर 40 की। यहाँ पे ये स्ट्रीट 40 में ये डंपर आ चुका है टाइल्स लेके। अभी नेक्स्ट वीडियो या जिन हजरात के यहाँ पे विलाज हैं तो वो मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके, मेरा नंबर है 03000982510, रब्ता कर सकते हैं, तो वो 10-15 दिन बाद इसकी अपडेट ले सकते हैं कि 10-15 दिन बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन है। स्ट्रीट नंबर 41 विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 16 तक जो विलाज हैं वो ईस्ट ओपन विलाज हैं, और इसी तरह विला नंबर 17 से लेकर विला नंबर 31 तक जो विलाज हैं ये वेस्ट ओपन विलाज हैं। ये भी सेम पिछले 4-6 माह से यहाँ पे काम बिल्कुल स्लो है। अब राइट साइड पे कुछ विलाज हैं जहाँ पे टाइल्स का काम किया है बैरिया ने,
विला नंबर वन से जो है वो 16 तक जो विलाज हैं 41 स्ट्रीट में, के टाइल्स लग चुकी हैं। लेफ्ट साइड जो है वो वेस्ट ओपन विलाज, इनमें कुछ भी काम नहीं किया बैरिया ने स्ट्रीट नंबर 41 में। अब ये जो विलाज हैं इनकी प्राइसेस इस वक्त जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर की 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख की ब्रैकेट में है। अब रोड का विला लेंगे तो हमें तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख की ब्रैकेट में मिल जाएगा, क्योंकि रोड के विला में हमें 10% बैरिया को चार्ज करना होता है, अलग से बैरिया जो हमसे चार्ज करता है। स्ट्रीट नंबर 42 में इंटरेस्ट किया मैंने, स्ट्रीट नंबर 42 में विला नंबर 1 से 17 तक जो विलाज हैं वो ईस्ट ओपन है, और विला नंबर 18 से 34 तक विलाज हैं वो वेस्ट ओपन है। अब यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है स्ट्रीट नंबर 42 में, ये बाहर का जो रैंप है उस पे काम कर रहे बैरिया। लास्ट पिछले 6 माह से तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था स्ट्रीट 42 पे। अब स्ट्रीट 42 में ये सीवरेज का काम है वो भी दिख रहा है कि हो रहा है, लेबर भी यहाँ पे है काम कर रही है, रैंप वगैरह जो अभी वो बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कितना काम बैरिया ने किया है। स्ट्रीट 42 के बाद हम इंटरेस्ट करेंगे स्ट्रीट नंबर 43 की तरफ, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 19 तक मेरे राइट साइड पे विलाज हैं, और विला नंबर 20 से लेकर विला नंबर 37 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं जो कि वेस्ट ओपन विलाज हैं। और ये स्ट्रीट पिछले 6 माह से बिल्कुल सेम सिचुएशन पे है कि यहाँ पे बैरियर ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। यहाँ पे तो अभी हमने स्ट्रीट नंबर 41 में देखा है कि कुछ काम हुआ है, रैंप वगैरह का काम हो रहा है, वहाँ पे लेबर काम कर रही है, तो इस स्ट्रीट में बिल्कुल भी 43 में बैरी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसकी प्राइस भी वही है तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से प्राइस स्टार्ट हो रही है, 2 करोड़ 30-35 लाख तक प्राइस ब्रैकेट जा रही है, एज पर लोकेशन विला के प्राइस में डिफरेंस आएगा। और यही मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 46 है, 46 में पिछले 6 माह से सिर्फ ये चंद विलाज हैं, 15 विलाज जिन पे बैरी ने काम किया है लेफ्ट साइड के, बाकी विलाज ऐसे ही कैसे ही पड़े हैं। ये स्ट्रीट नंबर 44, यहाँ पे इंटरेस्ट किया हमने स्ट्रीट नंबर 44 जो के पार्क को फेसिंग करते हुए विलाज है। यहाँ पे कुछ 2-3 विलाज हैं जो मेरे राइट साइड पे विला आ रहे हैं, विला नंबर 20 से लेकर विला नंबर 1 से लेकर सॉरी विला नंबर 20 तक है। अब ये इस स्ट्रीट में विला नंबर 1 से 20 तक है, फिर 21 से 37 तक विलाज हैं, तो ये विलाज भी सेम सिचुएशन में है जिस तरह के हमने बैक स्ट्रीट देख ली है स्ट्रीट नंबर 43। यहाँ पे भी काम बैरी ने थोड़ा बहुत किया है, जिसमें ना होने के बराबर कह सकते हैं कि बैरी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। दूसरी साइड पे अगर हम देख रहे थे स्ट्रीट नंबर 40 और स्ट्रीट नंबर 39, 38, इन स्ट्रीट्स में बैरियर ने काम किया है और काफ़ी हद तक यहाँ पे काम हुआ भी है। अब ये पार्क वाली स्ट्रीट्स है, इसमें वेस्ट ओपन विला की प्राइस जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख तक है, 2 करोड़ 20 लाख तक भी इवन यहाँ पे प्राइसेज जो है वो फॉल कर रही हैं। अब ये स्ट्रीट नंबर 45, ये भी स्ट्रीट जो है वो पार्क वाली है कि इसके एंड पे आके पार्क आ जाता है, जो पार्क फेसिंग तो विला नहीं है इसमें। विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 16 तक जो है वो मेरे राइट साइड पे विलाज हैं, ईस्ट ओपन विलाज हैं, और विला नंबर 17 से विला नंबर 32 तक जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं जो कि वेस्ट ओपन विलाज हैं, और ये वो विलाज हैं जिनमें लास्ट 6 माह से बैरी ने काम नहीं किया। जहाँ पे बैरी ने काम किया है वो आप भी वीडियो में देख रहे हैं कि इस जगह पे बैरी ने काम किया हुआ है, और जिस जगह पे बैरी ने बिल्कुल काम नहीं किया वो मैं आपको मेंशन भी कर रहा हूँ कि इन स्ट्रीट्स में बैरी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय करनी होती है, एज ए रेजिडेंस भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, या जिन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस वीडियो से उन्हें आइडिया हो जाएगा कि लास्ट 6 मंथ से बैरी ने किस जगह पे काम किया और लास्ट 6 मंथ से बैरी ने अभी तक किस जगह पे काम नहीं किया। अब बहुत से लोग हैं जो फॉरन से फैमिली अपनी शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जैसे एजेंट वो उन्हें बोल देते हैं कि 2 माह में तैयार हो जाएगा, तो वो 2 माह आप पहले लोकेशन देख लें कि आया कि वहाँ पे बैरिया काम कर रहा है जो 2 माह में तैयार हो जाएगा, या बैरिया काम ही नहीं कर रहा तो आप ले लें और बाद में आपको 6-8 माह वेट करना हो और वो परेशानी का सबब बने आपके लिए प्रॉपर्टी।
रेडी फॉर पोजेशन प्रॉपर्टी लेनी है तो वो प्रॉपर्टी लें जिसपे बिल्कुल फाइनल स्टेज पे काम हो, वो आपको 2 से 3 माह के अंदर बैरियर पोजेशन दे देगा। और ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, जिसमें आपने अभी से रेजिडेंस नहीं करनी है, जिसमें आपको पता है कि आपने 6 माह तक भी वेट करना है, तो वो प्रॉपर्टी आप बाय करें जहाँ पे बैरिया बिल्कुल स्लोली काम कर रहा है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी है जहाँ पे बैरिया ने बिल्कुल भी अभी तक काम नहीं किया, तो उन प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रीट नंबर 44, 45, स्ट्रीट नंबर 46 आ जाती है, फिर इसी तरह स्ट्रीट नंबर 7, 6 है, और दूसरी साइड पे जो है वो एक दो और स्ट्रीट्स हैं जिनमें बैरी ने बिल्कुल काम नहीं किया। तो ये वो स्ट्रीट्स हैं जिनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, या आपने रेजिडेंस से 1 साल 1.5 साल बाद करनी है तो इस जगह पे आप आके रह सकते हैं। तो ये वो रोड नंबर 16 है। रोड नंबर 16 के विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 29 तक मेरे राइट साइड पे विलाज हैं, और विला नंबर 30 से लेकर विला नंबर 44 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं। लेफ्ट साइड वाले विलाज जो हैं मेरे वो वेस्ट ओपन हैं, और राइट साइड वाले विलाज जो हैं वो ईस्ट ओपन हैं। अब ये भी पार्क वाली रोड है, जिसमें एंड पे ये जैसे विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 14 तक जो विलाज हैं ईस्ट ओपन, ये पार्क को फेसिंग कर रहे हैं। अब रोड 16 में बैरी ने काम किया है पिछले 6 माह में, कुछ नजर आया जिस तरह के ये विला 40 से लेकर विला नंबर 44 तक, ये विलाज बैरी ने कोई पिछले 3 से 4 माह के अंदर तैयार कर दिए हैं, और लोगों के हैंडओवर भी हो चुके हैं ये विलाज। इसी तरह स्टार्टिंग के विलाज हैं विला नंबर 1 से लेकर 6 तक, 7 तक विलाज हैं, तो ये 7 तक विलाज में 2 फैमिलीज भी आ चुकी हैं रोड नंबर 16 पे। इसी तरह सामने स्ट्रीट नंबर 46 के विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 4 तक ये बिल्कुल तैयार है, और ये बहरिया है इसमें आपको पोजेशन हैंड ओवर कर चुका है। इसी तरह ये सामने मेरे आ जाते हैं रोड नंबर 16 के बाद रोड नंबर 15 है, ये सामने रोड नंबर 15 के विलाज हैं विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 124 तक विलाज हैं। अब मेरे राइट साइड पे जो विला नंबर 1 से लेकर तकरीबन विला नंबर 25 तक ऐसे विलाज हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हैं। अब ये विला नंबर 9 पे फैमिली रह रही है रोड नंबर 9 में। इसी तरह विला नंबर लेफ्ट साइड जो मेरे आ रही है विला नंबर 110 से लेकर विला नंबर 124 तक ऐसे विलाज हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, यहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट कर सकती हैं आप फ़ौरन से अपनी फैमिली। अब रोड नंबर 15 में लास्ट 6 मंथ में काफ़ी ज़्यादा काम किया है बैरिया ने, और देखने का भी आ रहा है कि यहाँ पे बैरिया ने काफ़ी ज़्यादा अपनी मशीनरी लगाई है, लेबर लगी हुई है यहाँ पे और काम कर रही है। अब लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी तो ये 20 तक विलाज से जो बिल्कुल तैयार थे, अब इससे आगे हम आते हैं 20 से आगे राइट साइड पे, तो ये कोई मेरा ख्याल है एंड तक ही मैं चला जाऊंगा, तो ये डस्ट पेंट जो था इन्होंने ख़त्म किया है, फाइनल पेंट अक्सर विला में हो गया है, डीपीस लग चुकी हैं यहाँ पे, टाइल्स का काम भी हो गया है लेफ्ट राइट। तो ये रोड नंबर 15 में नज़र आ रहा है बैरिया ने काम किया। इसी तरह कुछ और स्ट्रीट्स थी जो कि वीडियो में मैंने मेंशन किया कि वहाँ पे भी बैरिया ने काम किया है। अब रोड नंबर 15 में भी जो ग्रे स्ट्रक्चर विला की प्राइस है वो 2 करोड़ तकरीबन 10 लाख से प्राइस स्टार्ट हो रही है, और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख तक भी यहाँ पे विला की प्राइस है, जो कि विद की विलाज भी है यहाँ पे। ये था एपिसोड नंबर 3 बैरिया स्पोर्ट सिटी विला के हवाले से, लास्ट एपिसोड है, और सेलिंग बाइंग के लिए या एज ए इन्वेस्टमेंट भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 03-00-098-2510, और इसी तरह फर्दर जो वीडियोस हैं हमारा स्ट्रीट टूर का एपिसोड चलता रहता है, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी रेटर। अल्लाह हाफिज़।